नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। क्या टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली कर्जे में डूब गए हैं? क्या विराट कोहली के पास अब पैसों की कमी हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि हाल ही में विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान, एक बाइट के दौरान ये कहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं। विराट कोहली अपनी शौकीन ज़िंदगी की वजह से, अपने शान और शोहरत की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से जाने जाते थे। वो सुर्खियों में रहते थे, बात होती थी उनकी पानी पीने की तो वो खुद इस बात का कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन लोग कहते थे कि उनका पानी बड़ा महंगा आता है, बाहर से आता है, ब्लैक वाटर पीते हैं, ऐसा वैसा पानी पीते हैं जो जिसकी कीमत जो हज़ारों में आती है। हालांकि उस बात पर कभी विराट कोहली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उनकी गाड़ियों की खूब चर्चा होती थी। उन्हें महंगी महंगी गाड़ियों का शौक़ था, उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल जीने का शौक़ था, उनके घर की बात होती थी, उनके खाने पीने की बात होती थी, उनकी लव स्टोरी की बात होती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो विराट कोहली की चर्चा जो है वो ज़ोरों शोरों से रहती थी न्यूज़ बाज़ार में। लेकिन आज जो है वो छाए हुए हैं अपनी गाड़ियाँ बेचने को लेकर। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर विराट कोहली जैसे स्टार क्रिकेटर को, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत है, जो न जाने कितने सारी गाड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर एंडोर्स करते हैं, उस गाड़ियों को न जाने कितने ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिन गाड़ियों को ख़रीदने का उनका सपना हुआ करता था, वही गाड़ी आज उन्होंने बेच दी है। आखिर क्या है ये पूरी खबर और ऐसा क्यों हुआ है, चलिए जानते हैं। विराट कोहली ने अपनी गाड़ियाँ बेच दी हैं। विराट कोहली को आखिर क्यों अपनी गाड़ियां बेचने की जरूरत पड़ी? आखिर विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में क्यों कहा कि उन्होंने अपनी ज्यादातर गाड़ियां बेच दी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उन गाड़ियों को खरीदकर। पहले देखिए कि विराट कोहली के पास गाड़ी कौन कौन सी थी। ऑडी Q7, ऑडी RS5, ऑडी A8, ऑडी R8, लैंड रोवर वो, बेंटले फ्लाइंग, बेंटले कॉन्टिनेंटल। उनके पास ऐसी महंगी गाड़ियां थीं, लेकिन अब उनके पास ये गाड़ियां नहीं हैं। कुछ गाड़ियां उन्होंने बेच दी हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि उन्होंने अपनी ज्यादातर कारें बेच दी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अधिकांश कारें आवेग में आकर खरीदी। विराट के मुताबिक, मैंने मुश्किल से उन्हें ड्राइव किया, मुझे लगा कि इतनी कारों का होना बेकार है, हम वही उपयोग करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, ऐसा होना व्यावहारिक है। विराट कोहली को गाड़ियों का शौक है, उनके पास महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी है। विराट कोहली ने ये भी कहा कि जब आप बड़े होते हैं तो आप परिपक्व और जागरूक होते हैं, ऐसे में चीजों के बारे में समझ पड़ती है, आपको खिलौने रखने का मन नहीं करता, ऐसा होना व्यावहारिक है। विराट कोहली ने एक बार फिर खुलासा किया, ये कहा कि उनकी पहली कार टाटा सफारी थी, क्योंकि उन दिनों दिल्ली में इस कार का चलन था, जिसके चलते विराट ने उसे खरीदा था। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि विराट कोहली ने सिर्फ इसलिए ये गाड़ियां बेची हैं क्योंकि अब वो ये चाह रहे थे कि बड़ी बड़ी उनकी गाड़ियां, खड़ी खड़ी उनकी गाड़ियां जो है वो वेस्ट हो रही थी, वो पुरानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने गाड़ियां बेच दी है। तो अब इस बात का जवाब आपको मिल गया है कि ना तो विराट कोहली को कर्जे की जरूरत पड़ी है और ना ही उनके पास पैसों की कमी है। आपको तो मालूम ही है कि IPL शुरू हो रहा है और विराट कोहली हमेशा की तरह इस बार भी IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए धमाल मचाएंगे। बीते कुछ सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है, इस दौरान कई बार टीम प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही। IPL 2022 में RCB की टीम तीसरे नंबर पर रही थी, हालांकि बीते सीजन विराट कोहली से ज्यादा सफल नहीं हुए थे, लेकिन 16वें सीजन में वो बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका ये भी कहना है कि मैं अपने खेलने के तरीके में वापस आ गया हूँ, अभी भी सर्वश्रेष्ठ करने के लिए पहुंच गए हैं, उम्मीद है ये IPL में होगा, मैं टीम की हर हाल में मदद करना चाहता हूँ, ये सीजन रोमांचक होने वाला है। तो बस कीजिए IPL का इंतजार और देखिए विराट कोहली अपने बल्ले से कैसे ताबड़तोड़ रन बनाते हैं। तो अब तो आपको जवाब मिल गया होगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि विराट कोहली को ये लग रहा था कि काफी गाड़ियां उन्होंने खरीद ली हैं जो सिर्फ उनके गैराज में खड़ी रहती हैं और उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत सी उनके पास गाड़ियां थी, हालांकि गाड़ियां बेचने के बाद भी उनके पास अभी भी गाड़ियों का काफ़ी कलेक्शन है। गाड़ियों के शौकीन बहुत से लोग होते हैं और गाड़ियां चलाने के भी बहुत से लोग शौकीन होते हैं, लेकिन टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली की गाड़ियों की चर्चा हमेशा रही है और उनके लाइफस्टाइल की भी चर्चा रही है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, विराट कोहली के लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी गाड़ियों के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताइए। और क्या देखना चाहते हैं सौगंध टीवी पर, हमें ये भी बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।